Morning, dear students. Welcome in online class. Myself, Aparna Pandey. I am your science teacher, class 9. Today, we discuss the rest part of our chapter. First, this is the new edition of Balaji publication. So, this is your new book. Chapter 1, Matter in Our Surrounding. We discuss some parts in our previous video. Let's discuss what is diffusion, the process of intermixing the particles of two or more substances on their own is called diffusion. Diffusion क्या process है? Intermixing दो particles या दो substance को आपस में mix करना diffusion कहलाता है. Diffusion occur in solid, liquid, gas. Diffusion पाया जाता है आपके solid में, liquid में और gas में भी. अब diffusion का fasting rate किस में सबसे ज़्यादा है? Diffusion is fast in gases, slowest in solid and decrease in the, नीचे इसका decreasing order है. सबसे ज़्यादा gas में होती है, then liquid and सबसे कम होती है आपके solids में. डिफ्यूज़न इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. डिफ्यूज़न किस पर डिपेंड करता है? पार्टिकल्स के मोशन पर डिपेंड करता है. द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. जब किसी सब्सटेंस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका डिफ्यूज़न रेट इंक्रीज होगा. इट इज़ बिकॉज द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जब किसी सब्सटेंस में या दैट मीन्स किसी पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स की जब स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसके साथ बढ़ेगी? जब हम उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. डिफ्यूजन इन गैसेस, द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन. इतना तो पता है गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और ये हाईली स्पीडली मूव करते रहते हैं. देयर फॉर डिफ्यूजन इन गैस इज वेरी फास्ट. इसलिए गैस में डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होता है. द फ्रेगरेंस ऑफ फूड विच इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन कैन बी डिटेक्टेड एट अ डिस्टेंस विच मच अवे फ्रॉम द किचन. किचन में खाना बनता है लेकिन उसकी स्मेल हमें बाहर तक आती है. क्यों? क्योंकि गैस में डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होता है. द फ्रेगरेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम एंड लीकेज ऑफ cooking gas can be detected at a distance much away from the place where they have been placed. एक perfume की bottle अगर आप room में open करते हो तो दूसरे room में भी उसकी smell आती है. अगर कोई भी fragrance वाली stick आप burn करते हो तो उसकी smell भी बहुत दूर तक रहती है. ओके, एक्सप्लेनेशन आपका सेम है. एग्जाम्पल भी आपका द कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, परफ्यूम एक्स्ट्रा. डिफ्यूजन इन लिक्विड, सिंस द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव स्लोली दैन दोज ऑफ गैसेज. लिक्विड डिफ्यूज एट अ स्लोअर रेट दैन गैसेज. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स ऑल्सो डिपेंड ऑफ देयर डेंसिटी. ग्रेटर द डेंसिटी स्मॉलर इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड वाइस वर्सा. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज फास्टर दैन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड. कंपेरिजन टू गैस, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, इसलिए इनमें मूविंग कैपेसिटी गैसेस की कंपैरिजन में स्लो होता है, इसलिए इसमें डिफ्यूजन रेट कम होता है. डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन रेट कम होगा. ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज फास्टर दैन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड. इसलिए सॉलिड में क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो और ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसलिए बिल्कुल भी पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं होता, इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता. उसी कंपैरिजन में लिक्विड में ज़्यादा होता है. डिफ्यूजन इज सॉलिड, अभी मैंने बताया आपको कि सॉलिड में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, मूवमेंट पार्टिकल्स के बीच में होता नहीं है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होती हैं. सडनली इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल इस पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी तो डिफ्यूजन रेट कम होगा. एग्जाम्पल दे समझ जाइए. इफ़ वी रीड समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक एंड लीव इट अनक्लियर्ड फॉर considerable period of time, it is found that it becomes difficult to clean the blackboard after that. It is because some of the particles of chalk get diffused into the surface of the blackboard. Blackboard पे chalk से लिखिए, अगर आप तुरंत रब करते हो तो easily rub हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद आप करते हो तो इसे move करने में दिक्कत होती है. Okay,
लेट्स डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न. अब डिफ्यूज़न रेट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं. पहला है आपका फिजिकल स्टेट किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल को दिया हुआ टेम्परेचर और उस पार्टिकल की डेंसिटी. तीन फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अफेक्ट करती है. सॉलिड डिफ्यूज़न डिफ्यूज इंटू लिक्विड स्लोली वेयर एज लिक्विड डिफ्यूज इंटू द लिक्विड फास्ट. सॉलिड डिफ्यूज करता है लिक्विड में स्लोली बट लिक्विड डिफ्यूज इंटू लिक्विड फास्ट. टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. अभी मैंने बताया अगर पार्टिकल्स को हीट दोगे दैट मीन्स टेम्परेचर दोगे तो उनमें उनका पार्टिकल्स क्या होगा फास्टली मूव करेगा और डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगी. ये प्रोसेस किस में ज़्यादा होती है गैसेज में ज़्यादा होती है. अब फूड को कुक करते हो क्या करते हो गैस ऑन करते हो टेम्परेचर देते हो हीट बढ़ाते हो तभी तो खाना बनता है. अगर हम उसे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो खाना कैसे कुक होगा और फिर उसका फ्रेगरेंस दूर तक जाता है. डेंसिटी स्मॉलर द डेंसिटी ग्रेटर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हम डिस्कस करते हैं मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं. ठीक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम और पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं. सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म टू शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. द डिसोल्यूशन ऑफ सुगर सॉल्ट पोटेशियम पर मैग्नेट एक्स्ट्रा शो द तीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स देयर इज स्पेस बिटवीन देम. एक सोल्यूशन ले लीजिए उसमें सुगर सॉल्ट पोटेशियम पर मैग्नेट सबको इंक्लूड कर लीजिए. आप क्या देखेंगे छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होंगे मैटर के मिलियंस ऑफ दैट मीन्स बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और उनके बीच में आपको स्पेस दिखाई देगा. थैंक यू स्टूडेंट. वी डिस्कस दिस पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो.